हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 9 चैप्टर आपके ख़त्म कर चुके हैं। ये 10वां चैप्टर है, डेटाबेस की धारणाएं। इसमें क्या देखेंगे? डेटाबेस की धारणाएं, याद रखिए ये आपके 13-14 के करीब आपके चैप्टर हैं। इन्हें ख़त्म करने के बाद हम लोग 25 से 30 आपके मॉक टेस्ट लगाएंगे। जो आपके मॉक टेस्ट होंगे वो वन वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ये पूरा कवर करने के बाद मॉक टेस्ट और ये कॉन्सेप्ट वाइज जो भी आपके हैं चैप्टर, इतना कंप्लीट करने के बाद अब आपको कंप्यूटर साइंस के लिए या कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना पढ़ने के बाद आपको नहीं लगेगा कि आपको और कुछ पढ़ना है, क्योंकि इतना मटेरियल काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, उस ये सभी आपके चैप्टर एक ही जगह मिल जाएंगे। और मॉक टेस्ट वो है आपकी कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट सूची। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट। डेटाबेस सूचनाओं या फिर डेटा का एक ऐसा व्यवस्थित संग्रह होता है जिससे हम किसी भी सूचनाओं को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। डेटाबेस व्यवस्थित इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी भी डेटा या सूचना को एक निश्चित स्थान पर पहले से तय किए हुए रूप में रखा जाता है, ताकि कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उसे आसानी से ढूंढकर देखा जा सके। बात करते हैं व्यवस्थित डेटा में हमें निम्नलिखित कार्य करने की सुविधा होती है। आवश्यक सूचनाओं को निकालना, सूचनाओं के अनुसार उचित कार्रवाई करना या निर्णय लेना, सूचनाओं को कोई को नई आवश्यकताओं के अनुसार फिर से व्यवस्थित करना, सूचनाओं के आधार पर रिपोर्ट आदि बनाना तथा नई सूचनाएं निकालना। एक डेटाबेस नामों की सूची की एक फाइल के रूप में आसान भी हो सकता है, और डेटा की बहुत सी फाइलों के समृद्ध रूप में भी कठिन भी हो सकता है। बात करते हैं डेटाबेस के प्रकार क्या हैं। टाइप्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जो आपके नीचे दिए जा रहे हैं। पहला है आपका डेटा नेटवर्क डेटाबेस, दूसरा हेराइकल डेटाबेस, तीसरा है रिलेशनल डेटाबेस। तो हम लोग बात करते हैं नेटवर्क डेटाबेस के बारे में। इस प्रकार के डेटाबेस में डेटा रिकॉर्ड के समूह के रूप में तथा डेटा के बीच संबंध लिंक के माध्यम से दर्शाया जाता है। फिर आपका हेराइकल डेटाबेस, इस प्रकार के डेटा में डेटा को व्यक्त के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। हेराइकल डेटाबेस में नोड्स आपस में लिंक के माध्यम से जुड़ी होती हैं। फिर आपका रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस को संरचित डेटा स्ट्रक्चरल डाटाबेस भी कहा जाता है, जिसमें डेटा को सारणियों के रूप में संग्रहित स्टोर किया जाता है। इन डेटा सारणियों में स्तंभ सारणी में स्टोर होने वाले डेटा के प्रकार को तथा डेटा को पंक्तियों को डेटा दर्शाती है। यही बात कर लेते हैं डेटा के बारे में। किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर समूह के बारे में किसी तथ्य अथवा जानकारी को डेटा कहा जाता है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का वजन, मूल या फिर किसी कक्षा के विद्यार्थियों की उम्र आदि सभी डेटा के ही उदाहरण हैं। सूचना इन्फॉर्मेशन, जब किसी डेटा को सार्थक तथा उपयोगी बनाने के लिए संसाधित व्यवस्थित संरचित किया जाता है तो उसे हम लोग सूचना कहते हैं। उदाहरण के लिए ये कक्षा का औसत स्कोर एक सूचना है, जो उस कक्षा के विद्यार्थियों को के स्कोर से निकाला जा सकता है। संक्षेप में डेटा डेटाबेस में स्टोर मूल्यों को संदर्भित करता है, जबकि सूचना उन मूल्यों से निकाले गए निष्कर्ष या अर्थ को संदर्भित करती है। ठीक है, कहीं पूछा है अगर डेटा की परिभाषा पूछे या सूचना की, तो आप आराम से लिख सकते हैं। बात करते हैं हम लोग कंप्यूटरीकृत डेटा की आवश्यकता क्यों।
हाथ से बनाए गए डेटाबेस हस्तचालित डेटाबेस में बहुत सी समस्याएं होती हैं, जैसे कि नया डेटा जोड़ने की समस्या, डेटा को बदलने की समस्या, डेटा को अपनी शर्तों के अनुसार प्राप्त करने की समस्या। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण किया गया। इसमें सभी सूचनाएं कंप्यूटर पर रखी जाती हैं और कंप्यूटर की सहायता से उनका रखरखाव और प्रोसेसिंग की जाती है। कंप्यूटर पर डेटाबेस बनाने की कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। कंप्यूटर पर बड़े आकार का डेटाबेस सरलता से बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें डेटा को संग्रहित करने की क्षमता अधिक होती है। कंप्यूटर की कार्य करने की गति तेज होने के कारण कितनी भी बड़ी बड़े डेटाबेस में से कोई भी एक चित सूचना निकालना, डेटाबेस पर विभिन्न क्रियाएं करना आदि कार्य बहुत कम समय में ही संपन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, तेज गति के कारण उस पर कोई लंबी चौड़ी रिपोर्ट निकालना और छापना मिनटों का काम होता है। इसमें हस्तचालित डेटाबेस की तुलना में बहुत कम खर्च भी आता है। बात करते हैं डेटा के अवयवों के बारे में। एक डेटाबेस विभिन्न प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। डेटाबेस का प्रत्येक अवयव ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्रत्येक डेटाबेस फाइल में आप अपने डेटा को विभिन्न सारणियों टेबल्स में विभाजित कर सकते हैं। फॉर्म के माध्यम से सारणी के डेटा को देख भी सकते हैं, नया डेटा जोड़ भी सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, यानी कि सुधार भी सकते हैं। क्वेरी के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सारणियों में से डेटा को खोज सकते हैं तथा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और रिपोर्ट के माध्यम से डेटा का विश्लेषण तथा डेटा को एक विशेष लेआउट में प्रिंट भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं डेटा बेस के अवयवों का विस्तार पूर्वक वर्णन। सारणी। टेबल। वैसे तो डेटाबेस कई प्रकार के होते हैं, परंतु सबसे अधिक प्रचलित और प्राकृतिक डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस है, जिसमें डेटा एक सारणी के रूप में संग्रहित होता है। सारणी स्तंभ तथा पंक्तियों के कटाव से बने सेल से मिलकर बनी होती है। यही सेल सारणियों में डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है। इन सारणियों पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन, जैसे कि डेटा को स्टोर करना, निष्पंदन करना, पुनः प्राप्त करना, डेटा का संपादन करना आदि किए जा सकते हैं। मुख्य रूप से सारणी फील्ड तथा रिकॉर्ड से मिलकर बनी होती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। फील्ड। सारणी के प्रत्येक स्तंभ को फील्ड कहते हैं। प्रत्येक फील्ड का एक निश्चित नाम होता है, जिससे उसे पहचाना जाता है। प्रत्येक फील्ड का उस फील्ड से में स्टोर होने वाले डेटा के प्रकार को बताता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी का नाम, शहर, देश, टेलीफोन नंबर आदि फील्ड के नाम हो सकते हैं। फिर आता है आपका रिकॉर्ड। सारणी की प्रत्येक पंक्ति को रिकॉर्ड कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक रिकॉर्ड एक एंटिटी जो कि वस्तु, व्यक्ति आदि से संबंधित सभी फील्डों में उपस्थित डेटा का संग्रह होता है। उदाहरण के लिए आपके मित्रों के नाम, टेलीफोन नंबर वाले डेटाबेस की संरचना नीचे दिखाए गए चित्रों की तरह हो सकती है। ये टेबल फ्रेंड्स, नेम्स और टेलीफोन, राकेश इस तरह से 0123, रिधि, हृदेश, हरी, कमल इस तरह से हो सकते हैं। बात करते हैं हम लोग डेटाबेस की धारणाएं। आप देख सकते हैं कि दी गई सारणी फ्रेंड में दो फील्ड, नेम, टेलीफोन नंबर और पांच रिकॉर्ड हैं। उदाहरण के लिए हृदेश 7869 एक रिकॉर्ड है। फिर आता है आपका क्यूरी। किसी भी सारणी या डेटाबेस से आवश्यकता अनुसार डेटा को निकालने के लिए
जो आदेश दिया जाता है उसे क्यूरी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, आप अगर अपने मेरठ शहर में रहने वाले मित्रों की सूची निकालना चाहें तो इसे क्यूरी कहेंगे। क्यूरी आपकी आवश्यकता अनुसार डेटा को निकालने के लिए आवश्यक फील्डों, शर्तों और सारणी का नाम आदि को दर्शाते हैं। किसी क्यूरी के उत्तर में जो सूचनाएं या फिर रिकॉर्ड डेटाबेस से निकाले जाते हैं तो उसे उस क्यूरी का डायनासेट कहते हैं। फिर आता है आपका फॉर्म। फॉर्म यद्यपि आप सारणी में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और सुधार भी कर सकते हैं, लेकिन सारणी में डेटा को स्टोर करना और सुधारना आसान नहीं होता है। इस समस्या को फॉर्म की सहायता से दूर कर सकते हैं। फॉर्म आपकी स्क्रीन पर एक ऐसी विंडो होती है जिसकी सहायता से आप किसी सारणी में भरे गए डेटा को देख भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं और नया डेटा जोड़ भी सकते हैं उसमें। सामान्यतः फॉर्म एक समय पर एक रिकॉर्ड को देखने और सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग डेटाबेस के अनुपयोगी क्षेत्र। डेटाबेस का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें कुछ क्षेत्र निम्नलिखित हैं। बैंकिंग, बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की पर्सनल सूचना, उनके खातों की सूचना, लोन आदि की सूचना रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की सूचना, उनके अंग, कोर्स रजिस्ट्रेशन की सूचना आदि रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एयरलाइन में रिजर्वेशन तथा कार्यक्रम की सूचनाएं आदि के लिए। क्रेडिट कार्ड के लेन देन में क्रेडिट कार्ड के द्वारा खरीदारी और मासिक लेन देन की रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। संचार के क्षेत्र में कॉल की मासिक रिकॉर्ड रखने के लिए, मासिक बिल के बनाने के लिए करते हैं। विक्रय के क्षेत्र में ग्राहकों, उत्पादों तथा खरीदारी की सूचनाएं रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अरे आपका वित्तीय, वित्तीय क्षेत्र में बिक्री तथा खरीद के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एचआर के क्षेत्र में कर्मचारियों, उनके वेतन, टैक्स आदि के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। कंप्यूटरी के डेटाबेस के निर्माण तथा रखरखाव के लिए हमें विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहा जाता है। मुख्यतः यह एक कंप्यूटर आधारित रिकॉर्ड के रखरखाव की प्रणाली है, अर्थात यह ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य रिकॉर्ड एवं सूचनाओं को संभाल कर रखना या उपयोगकर्ता को एक ऐसा वातावरण प्रदान करना जिसके माध्यम से डेटा को संग्रहित करना तथा पुनः प्राप्त करना बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। MySQL, Ingress, MS Access आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। DM यानी कि डाटा बेस मैनेजमेंट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। डेटाबेस का निर्माण करना, नए डेटा को शामिल करना या जोड़ना। ठीक है, सूचना पद्धति के ढूंढना व प्राप्त करना, डेटा को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, आकर्षण एवं अर्थपूर्ण रिपोर्ट्स को डिजाइन करना एवं प्रिंट करना इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं डाटाबेस, यह आपकी विशेषताएं हो गई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हम लोग संरचना देख लेते हैं, आर्किटेक्चर। ठीक है, DBMS की संरचना तीन स्तरों से मिलकर बनी होती है जिनका विवरण निम्नलिखित है। पहला है आपका आंतरिक स्तर, इंटरनल लेवल। इस स्तर में डेटाबेस के भौतिक संग्रहण की संरचना का वर्णन करता है। यह वर्णित करता है कि वास्तव में डेटाबेस में कैसे संग्रहित और व्यवस्थित होता है। वह यह भी निर्धारित करता है कि कौन सी इंडेक्सेस मौजूद है, स्टोर किए गए रिकॉर्ड किस क्रम में है आदि। इसे भौतिक स्तर, इसे क्या कहते हैं, भौतिक स्तर भी कहा जाता है। इस तरह से देखिए,
डाटाबेस मैनेजमेंट की संरचना, यूजर फर्स्ट, यूजर सेकंड, यूजर थ्री, यूजर फोर्थ, लेवल एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल, और ये आपका स्टोरेज हो गया। दूसरा है आपका विचार संबंधी स्तर। इस स्तर में पूर्ण डेटाबेस की संरचना होती है। यह स्तरों के मध्य जानकारी के रूपांतरण की प्रक्रिया होती है। यह डेटाबेस में संग्रहित डेटा के प्रकार को तथा डेटा के बीच संबंध को वर्णित करता है। इसे तर्क सिद्ध स्तर भी कहा जाता है। फिर आता है आपका बाहरी बाहरी स्तर। इस स्तर में डेटा व्यवस्थित उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यह डेटाबेस के उस भाग का वर्णन करता है जो उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी होता है। यह उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार डेटा को एक्सेस करने की अनुमति इस प्रकार प्रदान करता है ताकि एक ही डेटा एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग किया जा सके। यह स्तर डेटाबेस की सूची को उपयोगकर्ता से छिपाता है। यह स्तर अलग अलग उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग होता है। इसे दर्शनीय स्तर भी कहते हैं, व्यू लेवल। ठीक है, आखिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लाभ क्या है? डेटा के दोहराव में कमी। अच्छी तरह व्यवस्थित किए गए डेटा में बेस में सामान्यतः डेटा का कोई दोहराव नहीं होता है। समस्त डेटा को एक जगह रखे जाने के कारण हर सूचना को केवल एक बार स्टोर किया जाता है। फिर आपका डेटा की स्थिरता। डेटा के एक ही स्थान पर केंद्रित होने के कारण डेटा की स्थिरता बनी रहती है क्योंकि उसमें एक ही सूचना के दो मानों की संभावना समाप्त हो जाती है। डेटा अस्थिर तब होता है जब डेटा दो जगह रखा गया हो और केवल एक जगह सुधारा गया हो। फिर आपका डेटा की साझेदारी। डेटा की साझेदारी करके एक समय पर कई प्रोग्राम डेटा का प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रोग्रामों को अपना डेटाबेस तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती। इससे बहुत सा समय और परिश्रम बच जाता है। फिर आपकी डेटा की सुरक्षा। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली डेटा को निश्चित उपयोगकर्ताओं तथा अवैध परिवर्तन से बचाता है। यह केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को डेटा का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। फिर आपका डेटा का संपूर्णता। डेटा की संपूर्णता डेटा की समग्र पूर्णता, सटीकता तथा निरंतरता को संदर्भित करता है। यह एक डेटा रिकॉर्ड को दो अपडेट्स के बीच परिवर्तन के अभाव को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि डेटाबेस में डेटा स्टोर डेटा बिल्कुल सही है और नवीनतम है। अब बात करते हैं इसकी सीमाओं की, इसमें कमियां क्या हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट के कई लाभ हैं लेकिन साथ ही इसमें कुछ सीमाएं भी हैं, कमियां भी हैं जो आपकी निम्नलिखित हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लागत। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए डेटा को तीव्र गति से प्रोसेस करने वाले प्रोसेसर और अधिक क्षमता वाली मेमोरी की आवश्यकता होती है जिनकी लागत अधिक होती है। दूसरी है आपकी कठिनता। एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के अच्छे कार्य करने की क्षमता की पूर्व कल्पना करना उस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को कठिन बना देती है। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को समझने की विफलता एक संगठन के लिए गंभीर परिणामों का कारण बन सकती है। फिर आपका कर्मचारियों के प्रशिक्षण की लागत। अधिकतर सॉफ्टवेयर अत्यंत जटिल होते हैं इसलिए उपयोगकर्ताओं को डेटाबेस का प्रयोग करने के लिए एक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चलाने के लिए संगठन को कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ता है। फिर आपका टेक्निकल स्टाफ की नियुक्ति। एक संगठन में डेटाबेस के लिए प्रशिक्षित टेक्निकल पर्सन जैसे कि डेटाबेस व्यवस्थापक, एप्लीकेशन प्रोग्रामर आदि की आवश्यकता होती है जिसके लिए संगठन को इन व्यक्तियों को एक अच्छे वेतन का भुगतान करना पड़ता है जिससे प्रणाली की लागत बढ़ जाती है। अगला है आपका डेटाबेस की विफलता।
अधिकांश संगठन में सभी डेटा एक ही डेटाबेस में एकीकृत होता है। यदि पावर बंद हो जाने के कारण डेटाबेस विफल हो जाता है या फिर डेटाबेस स्टोर डिवाइस पर ही विफल हो जाए जाता है तो हमारा सभी मूल्यवान डेटा लुप्त हो सकता है या हमारी पूरी प्रणाली बंद हो सकती है। बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को द्वि आयामी सारणियों के रूप में संग्रहित किया जाता है। इन सारणियों को रिलेशन भी कहा जाता है। रिलेशन डेटाबेस के रखरखाव के लिए रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता होती है। रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DM डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही एक प्रकार है। रिलेशनल डेटाबेस की मुख्य विशेषताएं यह है कि एक डेटाबेस में एक से अधिक सारणियों को संग्रहित किया जा सकता है और ये सारणियां आपस में संबंधित पदावली। रिलेशनल डेटा की कुछ संबंधित पदावली हैं। रिलेशन के अंतर्गत एक टेबल तैयार की जाती है जो एक सिक्वेंशियल फाइल को निरूपित करती है जिसमें टेबल की पंक्तियां फाइल के रिकॉर्ड को इंगित करती हैं एवं स्तंभ रिकॉर्ड के फील्ड को दर्शाता है। ये टेबल्स रिलेशन की ही होते हैं। रिलेशन को उच्च स्तरीय फाइल्स के रूप में समझा जाता है जिसमें प्रत्येक रिलेशन में एक ही तरह के रिकॉर्ड होते हैं। किसी दिए गए रिलेशन में प्रत्येक रिकॉर्ड के फील्डों की संख्या समान होती है। प्रत्येक रिकॉर्डों का एक अलग पहचानने वाला होता है। रिलेशन के अंदर रिकॉर्ड किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित होती है। इसके लिए निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कर सकते हैं। ये आपका रिलेशन पार्ट एपी पी नेम कलर वेट और सिटी। P1 नट रेड 12 वेट लंदन। ठीक है, देख सकते हैं। फिर आपका ट्यूपल। रिलेशन में प्रत्येक रिकॉर्ड को ट्यूपल कहा जाता है। उदाहरण के लिए दिए गए रिलेशन पार्ट में 5 ट्यूपल हैं। ये आपका ट्यूपल, उनमें से एक ट्यूपल P2 बोल्ड ग्रीन 5 एंड पेरिस है जो एक पार्ट के विषय में एक विशेष सूचना है। फिर आपकी एट्रीब्यूट। रिलेशन के संदर्भ में प्रत्येक कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं। उदाहरण के लिए दिए गए रिलेशन पार्ट में 5 एट्रीब्यूट हैं P1 पी नेम कलर वेट सिटी, जिनमें से प्रत्येक कॉलम एक पार्ट के विषय में विशेष सूचना प्रदान करता है। फिर आपका डोमेन। रिलेशन के संदर्भ में डोमेन मानों का एक समूह होता है जिससे किसी कॉलम के दिए गए वास्तविक मानों को व्युत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम निम्न रिलेशन का प्रयोग या विचार कर सकते हैं। रिलेशन एस, ये नेम हो गया स्टेटस और सिटी। S1 अमर स्टेटस इसका 30 और ये पेरिस सिटी। इसी तरह रिलेशन PH पी नेम स्टेटस क्वालिटी P1 नट 12 स्टेटस क्वालिटी A। इसी तरह से आप लोग रिलेशन SP PH SH क्वांटिटी P1 S1 300 देख सकते हैं। यहाँ SP टेबल के PH कॉलम में जो मान दिए गए हैं उन्हें P टेबल से व्युत्पन्न किया गया है एवं SP टेबल में के SH कॉलम में जो मान दिए गए उन्हें S टेबल से व्युत्पन्न किया गया है। अतः यहाँ टेबल P एवं टेबल S एक डोमेन रूप है जिसमें PH और SH मानों को व्युत्पन्न कर एक SP टेबल तैयार किया गया है। ठीक है, फिर आपकी कार्डिनेलिटी। रिलेशन के संदर्भ में ट्यूपल रिकॉर्ड्स की कुल संख्या को कार्डिनेलिटी कहते हैं। अतः ऊपर में वर्णित उदाहरण की रिलेशन P की कार्डिनेलिटी 3 और S की 3 SP की 5।
थ्री आती है आपकी डिग्री। रिलेशन के संदर्भ में एट्रीब्यूट फील्ड या कॉमन की कुल संख्या को रिलेशन की डिग्री कहते हैं। अतः ऊपर दिए गए उदाहरण में रिलेशन पी की डिग्री 4 और एस की 4 और एस पी की है 3। फिर आता है आपका की फील्ड। की फील्ड सामान्यतः किसी डेटाबेस के हर रिकॉर्ड को उसकी रिकॉर्ड संख्या द्वारा पहचाना जाता है, लेकिन सभी रिकॉर्डों की रिकॉर्ड संख्या को याद रखना संभव नहीं है। इसलिए किसी रिकॉर्ड को पहचानने के लिए हम उसके एक फील्ड को मुख फील्ड या फिर की फील्ड मान लेते हैं। की कई प्रकार की होती हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली है आपकी प्राइमरी की। क्या है प्राइमरी की? प्राइमरी की किसी रिलेशन का एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें विभिन्न मान होते हैं और जिनका प्रयोग उस रिलेशन के ट्यूपल को निर्धारित करने में किया जाता है। प्राइमरी की के रूप में चुना गया फील्ड नल वैल्यू स्वीकार नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए रिलेशन पी के लिए एट्रीब्यूट पी हैज की यह विशेषता है कि प्रत्येक ट्यूपल में एक विशिष्ट पी हैज मान होता है और एवं यह मान उस ट्यूपल को उस रिलेशन के अन्य ट्यूपल से पृथक करता है। इस स्थिति में रिलेशन पी के लिए पी हैज को एक प्राइमरी की कहा जाता है। फिर आपका कैंडिडेट की। कभी कभी ऐसे रिलेशन भी उत्पन्न होते हैं जिनमें एक से अधिक एट्रीब्यूट का समूह होता है, एट्रीब्यूट का समूह होता है जिसमें विशेष निर्धारक गुण होते हैं एवं इसके लिए एक से अधिक की का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है, वह भी जिस पर विशिष्ट निर्धारक गुण प्रयुक्त किए जाते हैं कैंडिडेट की कहलाती है। किसी एक रिलेशन में एक या एक से अधिक कैंडिडेट की हो सकती हैं आपकी। दिए गए उदाहरण के लिए रिलेशन एस में एट्रीब्यूट एस हैज एस नेम की यह विशेषता है प्रत्येक ट्यूपल में एक विशिष्ट एस हैज एस नेम मान है जिसका उपयोग उस ट्यूपल को उस रिलेशन में विद्यमान बाकी सभी ट्यूपल को से पृथक करने में किया जाता है। फिर आपका अल्टरनेट की। अल्टरनेट की वह होती है जो प्राइमरी की नहीं होती। इसकी उपयोगिता उस रिलेशन के लिए होती है जिसमें एक से अधिक एट्रीब्यूटों का समूह होता है एवं एक से अधिक कैंडिडेट की होते हैं। इस स्थिति में किसी विशिष्ट गुण को निर्धारित करने के लिए जब एक से अधिक की के समूहों का उपयोग किया जाता है तब प्रथम की को प्राइमरी की और दूसरी की को अल्टरनेटिव की कहा जाता है। अल्टरनेट की को सेकेंडरी की भी कहा जाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में एस एज एक प्राइमरी की है और एस नेम एक अल्टरनेट की है आपकी। फिर आता है आपका फॉरेन की। किसी रिलेशनल डेटाबेस में फॉरेन की एक या एक से अधिक फील्डों का समूह होता है जो दो सारणियों के डेटाबेस के बीच लिंक प्रदान करता है। किसी सारणी की फॉरेन की फील्ड के लिए वैल्यू उसी सारणी की प्राइमरी की फील्ड या अन्य किसी सारणी के प्राइमरी की फील्ड की वैल्यू से व्युत्पन्न की जाती है। इस प्रकार फॉरेन की दो सारणियों के बीच संबंध स्थापित करती है। किसी सारणी में एक से अधिक फॉरेन की हो सकती हैं जो सारणी का अलग अलग सारणियों से संबंध स्थापित करती है। फिर आपकी यूनिक की। क्या है यूनिक की? किसी सारणी में यूनिक की एक या एक से अधिक फील्डों का समूह होती है जिनका उपयोग उस सारणी में प्रत्येक ट्यूपल को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एक सारणी में एक से अधिक यूनिक की हो सकती हैं। यूनिक की के लिए चुना गया फील्ड नल वैल्यू स्वीकार कर सकता है। बात करते हैं डेटाबेस की भाषाएं। सिद्धांतिक रूप से किसी दिए गए डेटा की उपभाषाएं दो भाषाओं का समूह होती हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डाटा
डेटाबेस को ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को परिभाषित करती है। इसका उपयोग डेटा स्ट्रक्चर, सारणी, व्यू आदि को परिभाषित करने हेतु किया जाता है। दूसरा है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यह भाषा DDL के द्वारा परिभाषित ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करती है या फिर प्रोसेस करती है। इसका प्रयोग डाटा को जोड़ने, मिटाने और सुधारने, सारणी से सूचनाओं को पुनः प्राप्त करने के लिए होता है। अब बात करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का प्रयोग डेटाबेस के संदर्भ में एंटिटीज तथा उसके बीच के संबंध को ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी कहा जाता है। ER मॉडल से संबंधित पदों का विवरण निम्नलिखित है। पहला है आपका एंटिटी। यह वास्तविक दुनिया की वस्तुओं को दर्शाती है या उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित करती है जिनके बारे में डेटा एकत्रित किया जाना है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में से आयताकार बॉक्स के द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए कस्टमर वाइज आइटम्स, यहाँ पर कस्टमर और आइटम्स एंटिटी है आपकी। पर आपका एट्रीब्यूट्स, यह एक एंटिटी की विशेषताओं और गुणों का वर्णन करता है। सारणी में एट्रीब्यूट्स को फील्डों द्वारा दर्शाया जाता है। ER डायग्राम में एट्रीब्यूट्स को दीर्घवृत्ताकार बॉक्स में दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए आइटम आईडी, प्राइस एंटिटी आइटम्स की एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं आपके। फिर आपका रिलेशनशिप, यह एंटिटीज के मध्य परस्पर संबंधों को दर्शाता है। यह ER डायग्राम में डायमंड की आकृति वाले बॉक्स के द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए है आपका कस्टमर वॉइस आइटम नेम हो गया, एड्रेस, आइटम आईडी, प्राइस। दिए गए चित्र में कस्टमर और आइटम एंटिटी हैं। यहाँ पर नेम तथा एड्रेस कस्टमर के और आइटम आईडी तथा प्राइस आइटम्स के एट्रीब्यूट हैं, बीट्स हैं। और वॉइस कस्टमर और आइटम के बीच रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। फिर आपका एंटिटी सेट, एक ही प्रकार की विशेषताओं या गुणों वाली एंटिटीज के सेट को एंटिटी सेट कहते हैं। उदाहरण के लिए स्टूडेंट डेटाबेस में उपस्थित सभी स्टूडेंट एंटिटीज का एक एंटिटी सेट है। एंटिटी सेट दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ऐसा एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी की फील्ड होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट कहलाता है। फिर आपका वीक एंटिटी सेट, ऐसा एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी की बनाने के लिए पर्याप्त फील्ड नहीं होते हैं, वीक एंटिटी सेट कहलाते हैं। ये आपके कहा कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें भी याद रखना है। डेटाबेस व्यवस्थापक, यह एक कंप्यूटर में प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो डेटाबेस के उपयोग को अधिकृत करने के लिए, समन्वित करने के लिए और इसके उपयोग को मॉनिटर करने के लिए जिम्मेदार होता है, या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को प्राप्त करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसे DBA भी कहते हैं। फिर आपका स्कीमा, यह डेटाबेस की एक लॉजिकल संरचना है। फिर आपका इंस्टेंस, एक विशेष समय पर डेटाबेस में संग्रहित जानकारी का संग्रह डेटाबेस का इंस्टेंस कहलाता है। डेटा माइनिंग अलग अलग दृष्टिकोण से डेटा का विश्लेषण करने और उपयोगी जानकारी में बदलने की प्रक्रिया है। कभी कभी इसे डाटा और नॉलेज डिस्कवरी भी कहा जाता है। डॉक्टर EF कोड ने वर्ष 1970 में रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के लिए 12 नियम प्रस्तुत किए थे। फिर आपका डेटा मॉडल, या डेटा के बीच संबंध, बाध्यताएँ, सेमीटिक्स आदि का वर्णन करने के लिए वैचारिक उपकरणों का एक समूह होता है। सामान्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला है आपका रिलेशनल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, और फिर है आपका
हायरार्किकल डेटा मॉडल। ठीक है, तो ये था आपका 10वां चैप्टर। क्या था 10वां चैप्टर? था आपका डेटाबेस की धारणाएं। 11वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे डेटा संचार और नेटवर्किंग के बारे में।